दुनिया को आलोकित करने का काम किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए दुनिया में राज व्यवस्था का नया मार्ग प्रशस्त किया। उसी धरती पर अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े युवाओं की एक टोली भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटी है। शाम होते ही पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आसपास की बस्तियों से आए बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पटना के अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे युवा इन बच्चों को पढ़ाने का पुनीत काम कर रहे हैं। उसी के द्वारा अभी कम से कम बाल संस्कार शाला 50 जगहों पे चल रही है पूरे पटना में। जैसे अभी अगर पटना जंक्शन हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, कंकड़बाग हो गया, मुसल्लापुर हाट हो गया, ये सब जगह जितने भी है ना पटने में कम से कम 50 जगह चलाई जा रही है। जितने भी आसपास के बच्चे लोग जो पढ़ने में सक्षम है उनको पढ़ाया जा सके, उनको अच्छे संस्कार दिया जा सके। बिहार के छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बनने का ख्वाब बुन रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा कि कैसे ये ऊर्जावान युवा समाज में बदलाव के लिए समय दान और ज्ञान दान से बुलंद भारत की नींव को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं आर्थिक परेशानी और रेलवे प्लेटफॉर्म का शोर भी इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला कम नहीं कर पाता। बच्चों का कहना है कि वे पढ़ लिख कर बेहतर भारत बनाने का सपना संजोए हुए हैं। पटना जंक्शन के अलावा पाटलिपुत्र जंक्शन और कंकड़बाग समेत अन्य जगहों पर युवाओं की ये टोली छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और मानवीय मूल्यों के आधार को मजबूत कर रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ से जुड़े ये नौजवान दरअसल 2008 से ही शिक्षा दान के इस महायज्ञ में संलग्न हैं। इनसे प्रेरणा पाकर अन्य युवा भी इस पुनीत काम में अपना योगदान दे रहे हैं। मुट्ठी भर युवाओं से शुरू हुआ ये सफर अब एक बड़े कारवां का रूप ले रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से एजाज हुसैन की रिपोर्ट।